अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संजीव दरवाजा खोल। संजीव दादा, दादा दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। संजीव दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आगे का क्या सोचे हैं आप? मतलब वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं घर का, परिवार का, भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना? संजीव जी, आप काहे कुछ हम नहीं बोल रहे हैं? एक वाजिब है, छोटी बहन का पाव छूना। चलता है, तुम नहीं चली? मिल गया। दो इधर। वही है। इसमें तो नहीं है। सारी इतना टेंशन में हमको हर जगह पोटली ही पोटली दिखाई दे रहा था। ये रही गिनियों की चोर। इन्होंने ही राजीव बाबू के ताकत वाले दूध में शराब मिलाया था। नहीं, 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 नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। हम घर की लक्ष्मी हैं, हमारे आने से शराब कटा है। हम कितना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको कहीं पे भी हमारी जैसी ब्यूटीफुल बहू नहीं मिलेगी देव बाबा, ऐसा मत कीजिए। अरे लक्ष्मी, तुम्हारे आने से पहले भी हमारे घर में थी और बाद में भी रहेगी। एक वंश का उम्मीद किए थे तुमसे, जो तुम दे नहीं पाए। अब रहा शराब, तो तेरे निकलते ही आधा शराब भी कट जाएगा। राजीव की जान तो ले ही ली थी तुमने। नहीं, अब और खतरा मोल नहीं ले सकते जब तक है यहाँ। भरपेट माल मलाई खा ले और जा। जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा किए। आपके हाथ का कठपुतली बनकर रहे और आपने हाथ छीन लिया। गलत किया भी पापा। तो हम तुम्हें अपने लाडले बेटे का जान लेने के लिए कहे थे, चलो तो जब कठपुतली अपनी धुन पे नाचने लगे ना, तो हाथ खींच लेना ही बेहतर होता है। फोन दो हमारा, चलो। देव नारायण चंदेल, तू मुहिया सांप निकला। अब तू देख कैसे हम तुम्हारा सर कुचलते हैं। कैसे चंदेल भवन में डेरा डालते हैं। और ये कुहिया भी ना हमारे सुनहरे भविष्य पे डाका नहीं डाल पाएगी। जाइए आप लोग। संजीव बाबू अंदर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। ठीक है, जा रहे हैं हम। लेकिन हमको लगा था किसी के लिए दरवाजा खोले ना खोले अपनी भाभी के लिए जरूर खोलेंगे आप। ठीक है, हम जाते हैं। चलिए आइए, कुछ खा लीजिए। भाभी हमें भूख नहीं है। भाभी के हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख लग जाएगा। चलिए। भाभी हमने खाना, हमें नहीं खाना है, हम नहीं खा पाएंगे। आइए ना, बैठिए ना। बैठिए भाभी, आप बैठिए बैठिए। भाभी माँ समान होती है
और हम आपकी माँ भी हैं और आपके सखी भी। और लक्ष्मण जी ने भी तो सीता मैया की बात की, कभी अवहेलना नहीं की, तो आप करेंगे हमारी बात की? ठीक है, आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी भूखे रह जाएंगे, मंजूर है आपको? तो खा लीजिए, हमारे हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। वाह, देखा तुम लोगों ने, कमाल है ना। हम लोग इतनी देर से खटखटा रहे, हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, इनके लिए दरवाजा खोल दिया, कमाल है संजीव। कोई भाई भाभी तो माँ समान होती है और सके भी। हाँ बहुत लकी है कि आपको खूब भाभी जैसी पत्नी मिली। अबे भाभी होगी तेरी, हमारी तो ये सखी है। हाँ ये सखी कभी कभी झूठ जाती है, लेकिन हम भी मना लेते हैं। क्या हुआ दीदी? संजीव बाबू। संजीव, हम लोग चलते, तुम बात करके आ जाओ। जानवी भूमि चले? जी दादा। कितनी बेशरम हो तुम, पति को पत्नी से अलग कर अब उसी को कौर कौर खिला रही हो। जब पत्नी को षड्यंत्र रचने से फुर्सत ना मिले तो भाभी को माँ बनकर देवर को खाना खिलाना पड़ता है। अब तुम बड़की बहू से माँ बन गई, इसे क्या कहोगी, षड्यंत्र? अकी नौटंकी, ये घर की बहू की वो जिम्मेदारी है जो आप तो निभा नहीं सके, और हमको लगता है आप निभा भी नहीं पाएंगे। कहे कि आपके मन में तो औरत का ममता नहीं, नफरत का जहर भरा हुआ है। अब तुमने जहर देखा कहाँ है? जब ये नागिन डसेगी तो सब लोग पानी के लिए तरसेंगे। आंसू, रो रही है तू क्यों? भाई का याद आ रहा है। चल छुट्टी, भाई की याद आ रही। हमको ना तुम्हारे दिल की धड़कन समझ में आती है, और ये जो फिलहाल तुम्हारी दिल की धड़कन धड़क रही है ना, एकदम बेसुरी है, क्योंकि तुमको माई की नहीं अपनी वो दुष्ट बहन के वजह से आंखों में आंसू आ रहे है ना। लेकिन एक बात बोले, उसके लिए आंसू बहाना ना बेकार है। हाँ, लेकिन हम अपनी दीदी के करतूतों को समर्थन नहीं कर रहे हैं राजीव बाबू। हाँ लेकिन तुमको अपनी बहन के लिए दुख तो हो रहा है ना। सब गया। हेलो, कौन? बाबू हम बोल रहे हैं, हम हमको घर से बाहर निकाल रहे हैं बाबू। बाबू एक तो वकील करिए, केस ठोकिए इन पर, संजीव जी को तलाक देना चाहते हैं ना, तो ऐसा हर जाना निकलवाएंगे कि बाप बाप करेंगे, लाखों करोड़ रुपया लेंगे इनसे। मत करो बाबू, हमारी शादी खतरे में है बाबू, तुम्हारा ही सहारा है। कौन है आप? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। कौन बोल रहा है?
अकाउंट। बाबू बाबू हम हंसिनी तुम्हारा लाडली, सबसे खूबसूरत, लाखों में एक। तुमको पहचान तो गए हम, इसलिए तुमको पहचानना नहीं चाहते हैं। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।